सीबीआई जांच होनी चाहिए। यह कैसी मजबूरी है कि अभी तक छात्रों की मांग अधूरी है। ये सरकार का भी उत्तरदायित्व होता है, यदि सरकार नहीं करती है तो यह बेशर्मी सरकार। तो हिंदुस्तान के कोरोना वायरस लोग उस पर आपत्तिजनक व्यवहार करने लगते हैं। जलाना ही है तो दीप जलाओ, हिंदू मुस्लिम का दिल जलाना मत सीखो। कि सौगात आती है तो सरकार उस पर जुल्म और सितम ढाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। असली मुजरिम वो है जो कुर्सी पर बरकरार है, कुर्सी पर बरकरार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज संवाद, मैं आपके साथ प्रेमराज। आज असली देसी पार्टी के कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था। क्या कुछ है कॉन्फ्रेंस में, क्या कुछ कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहते हैं हम ठीक जानते हैं, क्या कुछ आज कॉन्फ्रेंस? देखिए, नफरत की राजनीति फूट डाल कर करती रही राज, इस छोटी सी बात को अब तक समझा नहीं इस वतन का समाज। देश और दुनिया में समस्याओं से कोलाहल मचा है। समस्याग्रस्त भारत अपने निदान के लिए नए प्रकार की रफ्तार लगाना चाहता है। जब जब भी देश को सुरक्षित करने की बात आती है तो हिंदुस्तान के कोरोना वायरस लोग उस पर आपत्तिजनक व्यवहार करने लगते हैं। यह देश के लिए कलंक और अभिशाप का विषय है। हम तो कह देना चाहते हैं वैसे दलों को भी, छोटे छोटे पार्टी वालों को भी, रघुपति राघव राजा राम बोलने वाले नेताओं को भी, कि लगाना ही है तो बाग लगाओ, देश में आग लगाना मत सीखो, जलाना ही है तो दीप जलाओ, हिंदू मुस्लिम का दिल जलाना मत सीखो, दिखाना ही है तो राह दिखाओ, हिंदुस्तान को गुमराह कराना मत सीखो, मत सीखो। आज परिवर्तन की लहर चल रही है, लेकिन भारत की गंदी राजनीति के खिलाफ एक नए प्रकार की क्रांति की जरूरत है। भारत की राजनीति मैली हो गई है, जिसके खिलाफ असली देसी पार्टी एक नए प्रकार से क्रांति का बिगुल फूंक चुकी है। देखिए, सवाल नफरत के लिए जब आता है तो पहले की राजनीति देश की सेवा करती थी, गरीबों की भलाई करती थी, आम जनों के हित के लिए काम करती थी, लेकिन आजकल की राजनीति हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे से बांटने का काम कर रही है, समाज को समाज से अलग करने का काम कर रही है। यह भारत के लिए खेद की बात है। हम तो कह देना चाहते हैं कि देश को सुरक्षित करने की जब बात आती है, देश के मजबूती के लिए, हिंदुस्तान के उज्जवल कामना के लिए, न हीरो चाहिए न रंगदार चाहिए, नेता हमें वफादार चाहिए, जो रखे हिंदुस्तान का ख्याल, ऐसा ही नेता चौकीदार चाहिए, चौकीदार चाहिए। जो वर्तमान सरकार है वो जब छात्र प्रदर्शन करते हैं तो उस पर लाठियां चार्ज करती है, उस पर क्या कहना है? इतिहास गवाह है कि जब जब भी छात्रों की बात आती है, किसानों की बात आती है, दलितों के समस्याओं की बात आती है, मजदूरों के हालात की बात आती है और अपने इंसाफ की लड़ाई के लिए आंदोलन की सौगात आती है, तो सरकार उस पर जुल्म और सितम ढाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। सरकार की यह नाकामी हरकत आने वाले समय में किस तरह से उसे कमज़ोर करेगी, शायद सरकार को भी पता नहीं है। लेकिन हम एक बात याद कराना चाहते हैं कि मुजरिम वो नहीं जो कैद में है,
असली मुजरिम वो है, वो भी नहीं जो फरार है, असली मुजरिम वो है जो कुर्सी पर बरकरार है, कुर्सी पर बरकरार है। आज छात्रों के आंदोलन पर लाठी चार्ज बिहार ही नहीं देश के लिए शर्मसार का विषय है। सरकार यदि इस तरह का बुरा करतूत करा रही है, पुलिस के द्वारा लाठियां भजवा रही है, जो बिहार के लिए एक नए प्रकार की मुसीबत खड़ा कर रही है। छात्र अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां तक सुनने में आया है कि दरोगा परीक्षार्थी लोग अपने मांग को लेकर के परीक्षा में क्वेश्चन जो आउट हो गया था उसकी सीबीआई जांच को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे। क्या नाजायज कर रहे हैं, सीबीआई जांच होनी चाहिए। यदि किसी को शंका है तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच करने के लिए हिंदुस्तान में जो सीबीआई एजेंसी बनी है किस लिए बनी है? यदि वहां से सरकार से इंसाफ नहीं मिल जाती है तो सीबीआई इंसाफ, सीबीआई से जांच कराना ये सरकार का भी उत्तरदायित्व होता है। यदि सरकार नहीं करती है तो यह बेशर्मी सरकार। जो दरोगा के बात बोला आपने, तो जो दरोगा के छात्र हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और आज जो तीनों का अरेस्ट किया गया था उनको छोड़ दिया गया, और उनका कहना है कि 3 मार्च को हम लोग फिर अपना प्रदर्शन करेंगे, तो क्या आप साथ दीजिएगा उन लोगों का? देखिए, वतन के हित में साजिश भरी राजनीति छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है। छात्र, प्रतिभा छात्र अपने प्रतिभा का इस्तेमाल अपने अपने क्षेत्र में जब करना चाहते हैं तो सरकार अवरोध पैदा करना चाहते हैं। छात्रों की यह कैसी मजबूरी है कि अभी तक छात्रों की मांग अधूरी है। इसलिए असली देसी पार्टी छात्रों के हित में, आवाम के हित में सरकार से अपील करती है कि छात्रों की मांग जायज है, तुरंत इस पर आवश्यक कार्यवाही करने की जरूरत है, अन्यथा आंदोलन नहीं। असली देसी पार्टी जब साथ देगी तो महासंग्राम अभी बाकी है। बिल्कुल, तो देखा इनका साफ तौर पे कहना है कि जब असली देसी पार्टी दरोगा के साथ उतर गई तो संग्राम हो जाएगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ पर भारत। धन्यवाद।